ये जो है बहुत प्राचीन मंदिर है, इसको कमला कमलेश्वर, अवधेश्वर, बद्रीश्वर नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रहट का कुआं चलता था पहले, 200 पहले रहट का कुआं था, वो सामने है। और वहाँ पर भगवान अष्टदलाकार त्रिकालदर्शी शिव प्रकट हुए, जिससे ये रहट वाले मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ पर हमारे दादाजी का ये मंदिर है बद्री प्रसाद, तो उन्होंने इस मंदिर का स्थापना प्राण प्रतिष्ठा कराई थी, और उनकी पुत्री थी मुन्नी देवी। मुन्नी देवी उनकी पुत्री थी, और उन्होंने कुछ दिन तक इसको देख रेख किया। उसके बाद में वो आप 2-3 साल पहले ख़त्म हो गई है। अब इसकी कोई व्यवस्था बस ऐसी चल रही है। अब यहाँ पर मैं पुजारी कौशल नंदन जी महाराज उपस्थित हूँ, और ये दक्षिण की हनुमान जी है, भगवान श्री कृष्ण की। अच्छा, पहले ही ये छोटा सा मंदिर था? नहीं, पहले ये थे भगवान? भगवान कमला कमलेश्वर जी। अच्छा, कमला कमलेश्वर है। बद्री केश्वर जी, अवधेश्वर जी, ये कमला कमलेश्वर है, ये पंचमुखी है बद्री केश्वर जी महाराज। पंचमुखी? हाँ हाँ है तो ये पंचमुखी। और जो आप कह रहे थे जिनकी पुत्री थी, पंच परमेश्वर, ये है रहट वाला मंदिर, त्रिकालदर्शी अष्टदलाकार ये शिव यहाँ पर पैदा हुए थे, यहाँ पर प्रकट हुए थे। और ये आप जो जिनकी पुत्री कह रहे थे, जो आप कह रहे थे ना 2-3 साल पहले जिनकी डेथ हो चुकी है, मुन्नी देवी। अच्छा, वो किनकी पुत्री थी? वो बद्रीनाथ शर्मा जी, जब यहाँ पे ये। हाँ। अच्छा, तो अभी उनकी कोई मतलब बच्चे भी होंगे तो? पुत्र है श्री, उनके पति हैं गोपाल नारायण शर्मा, और साथ वाले पुत्र हैं, उनकी 2-3 लड़कियां भी हैं, वो आगरा रहते हैं, और आगरा से इस समय बच्चा उनका जो है वो नोएडा में जॉब करता है। अच्छा, ओ और कोई जानकारी? बस अभी ये पीछे तो अभी बना है, ये नवग्रह तो फिर हमने बाद में बनवाया, साईं मंदिर तो अभी बनवाया। अच्छा, हाँ, ये तो फिलहाल तो ये अभी है, अभी जो स्थापित ये निकले थे हमारे। हाँ। शिवलिंग ये भगवान त्रिकालदर्शी रहट के कुएं में प्रकट हुए। अच्छा, जो ये वाला जो शिवलिंग है ये ही रावण के यहाँ श्रीलंका में है। अच्छा, सन 84 का बहुत बड़ा दंगा हुआ था यहाँ पर, छोटी छोटी सी किवाड़े थी, जैसे बाहर जो किवाड़े हैं वहाँ पर जैसे छोटी छोटी लकड़ी किवाड़े थी, तो कुछ मुसलमान दूसरे दल के लोग आए हैं, और वो कहने लगे हम इस मंदिर पर कब्जा करेंगे। तो मंदिर पर जब कब्जा करेंगे, इस तरह से जब कहने लगे, सब लोग हिंदू भाग गए यहाँ से। तो भगवान त्रिकालदर्शी प्रकट हुए, और वो सर्प आकार से फटे, और एक के सीने में घुस गए, एक के पेट में घुस गए, एक मल्ल छा बजा के मर गया, एक संकेत स्कूल बजा गया। ये सर्प आकार से फट गए, ये देखिए पूरे फट गए। हाँ, ये सर्प। अच्छा, इसीलिए धसके तो ये इनका वो ऐसा है। हाँ। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ पे? मैं यहाँ से, यहाँ पर 25 साल से मैं यहाँ प्रभु की शरण में सेवा में। आपके दादा या पापा? नहीं, मंदिर हमारे दादाजी का ही है। दादाजी पर दादा का है? पर दादा जी, आपने तो दिख नहीं होती थी, पर दादा दिख नहीं, नहीं देखी। 5 पीढ़ियाँ हमारे। आप 5वीं पीढ़ी? अच्छा, पर दादा, हाँ, 5वीं पीढ़ी हुए। और कोई जानकारी पंडित जी? बस बताइए। ठीक है, श्री राधे। ओ, कितने कितने साल पुराना मंदिर बताया आपने? ये 3 साल पुराना। और नाम मंदिर का क्या है? है? मंदिर का नाम श्री कमला कमलेश्वर बद्रीकेश्वर अवधेश्वर नाथ मंदिर। और अभी क्या नाम है इसका? ये है, ठीक है पंडित, रहट वाला मंदिर, ठीक है पंडित। बहुत मंदिर है, ये बहुत सही है, ये अभी बनी। अच्छा, ये सही बात।